नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। रानीगंज क्षेत्र के शहीद स्थल कहला में आयोजित स्वच्छता संगोष्ठी में प्रतिभाग के दौरान खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी और जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी, क्षेत्रीय विधायक धीरज ओझा ने शहीद समाधि स्थल और स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर बलिदानियों को नमन किया और उनके परिजनों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। उसके नगर पंचायत रानीगंज में सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया। साथ ही जिला पंचायती राज अधिकारी रविशंकर दुबे, प्रमुख शिवगढ़ सत्यम ओझा, शिवम ओझा भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। देखिए, आजादी के 75वें साल पे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार जितने जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और जो हमारे आपके पूर्वजों के इन लोगों ने शहादत दी, जिनका सपना था स्वच्छता आंदोलन से लेकर के ग्राम स्वराज और बाकी विकास का, उन सबको घर घर तक पहुँचाने के लिए उसी का एक पार्ट स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पूर्व संध्या से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म 31 अक्टूबर तक एक महीने में आज़ादी के 75वें साल से 75 लाख किलो प्लास्टिक कलेक्ट करने का अभियान ये सरकार द्वारा चला। उसी के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास प्रतापगढ़ जिले माननीय मंत्री जी, आप कहला भी गए थे आज? हाँ, वही शहीद दर्शन, शहीदों को नमन करने का, उनसे प्रेरणा लेने का, उनके सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का और स्वच्छता अभियान को मूर्त देने के लिए जन भागीदारी के जरिए जन आंदोलन का रूप देने के लिए लोगों को जगाने के लिए कार्यक्रम माननीय हमारे साथ जिला विधायक जी। अपने कार्यकाल में कहला में आपने बहुत सा कार्य किया, क्या क्या किया? मैं कहला में, आप सब जानते हो कि वहाँ केवल एक स्मारक थी, आज मीटिंग हॉल हो गया, वहाँ हाई मार्क्स लग गए, ट्रांसफार्मर लग गए, फिर 48 लाख रुपया लाया हूँ, वहाँ बाउंड्री वाल हो गया, कुछ नहीं था, आप लोग जानते हो, इसलिए कहला का विकास वहाँ ओपन जिम भी दे दिया आज मंत्री जी ने। और कहला के परिवार पे रोड नहीं थी, हमने 1,22,00,000 की रोड दिया उनके परिवार तक, शहीद स्थलों के परिवार, हाँ परिवार तक, इसलिए कहला में बहुत काम हुआ। इसे आज हमारे मंत्री जी आए थे, आज ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ कहला में, और मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।